आपसे एक बात अर्ज करूं कि टेलीविजन के बहुत से सितारे ऐसे हैं जिनसे आपने मोहब्बत की और बहुत से ऐसे हैं जिनसे आप इश्क करते हैं। मैं ऐसे ही एक स्टार को बुला रहा हूं जिनसे मोहब्बत के साथ साथ आपने इश्क भी किया, और यही वजह है कि आज वो पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के बड़े मजबूत आर्टिस्ट कहलाते हैं। जो रोल उनको दिया जाता है वो इतनी खुश उसलूबी और सहल तरीके से करते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये इनकी ज़ात का एक हिस्सा है। टेलीविजन अवार्ड कई हासिल किए उन्होंने, और वैसे भी बेशुमार फिल्मी और गैर फिल्मी अवार्ड हासिल किए, कई सीरीज़ की, सीरियल्स की, ऑड प्लेस किए। ख़वातीन हज़रात, मेरा पसंदीदा, आपका पसंदीदा, हम सब का पसंदीदा इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ ला रहे हैं जनाब शफी मोहम्मद शाह। अस्सलाम अलैकुम। कैसे मिजाज हैं? मैं बिल्कुल ठीक। खैरियत से? बिल्कुल खैरियत से। आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। ले चलें। नौजवानी का आलम, आपका गांव कंडियारो, ठीक है, वहां पर एक लड़का पढ़ रहा है। पढ़ रहा है पैतराज है। पढ़ चुका? नहीं, पढ़ाई में जरा कमजोर थे। चलिए, मैं इन बातों में जाना नहीं चाहता। अच्छा, था ठीक। अब क्या आपकी कमजोरियों का क्या जिक्र करें यहाँ पर? आहिस्ता आहिस्ता खोलूंगा, अभी एकदम से ना शुरू हो जाए ना कि। अच्छा ठीक, ठीक है ना, ठीक, मतलब एक लड़का है भाई, पढ़ रहा है, ठीक, मतलब बुरा पढ़ रहा है, फेल हो रहा है, लेकिन पढ़ रहा है, ठीक, बाप का पैसा जाया कर रहा है, अब ठीक है, कर रहा है, ठीक, ठीक है साहब, ठीक है साहब, पढ़ रहा है, जाया कर रहा है। मार भाड़ तो नहीं पड़ी कभी? मार तो खैर बहुत ज्यादा पड़ी। खूब। आपकी पहली क्लिक जो सीरियल हुई थी वो कौन सी? सीरियल तो मेरी पहली क्लिक हुई थी तीसरा किनारा। तीसरा किनारा, राहत काज़मी, सायरा के साथ। आपके साथ अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अब आप काम पे तवज्जो कम देते हैं जब से बिजनेस करना शुरू किया है। मुइन, हमारे पास ये होता है जो जब एक्टर किसी एक प्रोमिनेंस वाली जगह पे आ जाता है, या ये कहना चाहिए कि जब लीड कैरेक्टर्स करता है, तो मेरा ख्याल है उसके लिए साल में एक मरतबा एक सहमाई में काम करना जो है वो मुनासिब रहता है। अच्छा, टेलीविजन पर जो आपके हम असर हैं, आपके जो साथी फनकार हैं, उनमें कौन से आर्टिस्ट को आप ज़ाती तौर पर लाइक करते हैं? खासा मुश्किल सवाल है। नहीं, ये पता नहीं क्यों जवाब ही नहीं देते। देखें, मैं कहते हैं जी सभी बहुत अच्छे हैं। अच्छा भाई, सब बहुत अच्छे हैं। तलत हुसैन बहुत अच्छे हैं। अब मुझे पता है, चार नाम गिनाओगे तुम, तलत हुसैन बहुत अच्छे हैं, फिरदौस जमाल बहुत अच्छा है, फलाना बहुत अच्छा, तो रह कौन जाएगा? मैंने तो एक पूछा है कि कोई एक आर्टिस्ट होगा ना जो आपको अच्छा लगता है। पूछा है जी? हाँ, आपसे जवाब तुम क्यों दे रहे हो? तो फिर आप जवाब, ये चार चार आदमियों के नाम बता रहे हो, मैंने तो एक नाम पूछा है। तलत हुसैन बहुत अच्छे हैं, एक पूछा है। तलत हुसैन ना, खत्म हो गई बात। खत्म हो गई, हाँ, बस खत्म करें। किस मतलब यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हैं आप, या कोई मारामारी करने आए हैं, या कोई लड़ाई झगड़ा करने? किस टोन में आप मुझसे बात कर रहे हैं कि सवाल मैं कर रहा हूँ तो जवाब तुम क्यों दे रहे हो? सवाल भी तुम करोगे, जवाब भी तुम करोगे, तो मैं क्यों बोला? नहीं, मतलब ये चार चार पांच पांच नाम गिनाने के लिए कहा था मैंने, मैं अपना सवाल फिर से करता हूँ कि आपको कौन कौन सा आर्टिस्ट पसंद है? पसंदीदा गुलकार कौन है आपका? पसंदीदा गुलकार बहुत हैं, उनमें एक नाम नहीं लिया। अच्छा, बहुत सारे में से किन किन को सुनते हैं पता लग जाएगा? नुसरत फतेह अली खान साहब, आबिदा परवीन, तुम। वैसे माफ करना भाई, एक बिरादर एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे, नुसरत फतेह अली खान और आबिदा परवीन के साथ जो आदमी मोइन अख्तर का गाना सुनता हो उसको म्यूजिक का कुछ नहीं पता है इसका मतलब। मैंने म्यूजिक में ये बिल्कुल आखिरी नाम लिया था, इस पे म्यूजिक खत्म हो गया। अच्छा, खत्म। अच्छा, ये अच्छी बात है, म्यूजिक खत्म है। अच्छा, ओके, एक दो सवाल और करना चाहता हूँ। ये जो मौजूदा रविश है,
इंटरनेशनल डिश की, जो इंटरनेशनल सैटेलाइट्स हैं, इन पे जिस किस्म के ड्रामे दिखाए जाते हैं, और हमारे यहाँ से जो सीरियल्स होती है, कितना समझते हैं कि मैच होता है ये? एक्चुअली मैच कोई नहीं है, मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क में ड्रामा जो है वो अपने प्योर अंदाज में होता है और रियलिस्टिक होता है, जबकि डिश पे जो ड्रामा होता है वो जमीन पे नहीं होता और उसकी एज सच कोई बहुत बड़ी हैसियत ये नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सैटेलाइट वालों के पास या किसी और मुल्क के पास सलाहियत नहीं है हमारे जैसा ड्रामा प्रोड्यूस करने, लेकिन उनकी मेरा ख्याल है जाती भी नहीं बल्कि कौमी ऐसी मजबूरियां हैं कि उनको इस तरह का ही मीडिया पे दिखाने को दिखाना पड़ता है, वरना उनके और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे कारोबार जो हैं वो शायद ठप हो जाएं। आजकल आप कोई नया सीरियल कर रहे हैं? मैं हाँ, नाम मुझे याद नहीं है। जो आपकी नई सीरियल है उसका नाम है गुमनाम है कोई? अच्छा हाँ भाई, आप कह रहे हैं ना मुझे नाम याद नहीं है, मैंने एक नाम रख दिया। हाँ तो ठीक है, मेरे दो सीरियल तो तैयार पड़े हैं, एक गुमनाम है कोई और एक नशेमन। ठीक है ये दो नहीं, इनका तो नाम मुझे आता है। क्या? जानशीन और साहब सरकार। और साहब सरकार, अच्छा। एक ड्रामा करने बाहर जा रहे हैं, लंदन जा रहा हूँ। ड्रामे सारे बाहर ही होते हैं। सही है। आखिरी जो घरेलू शाहकार था, देखो ड्रामा जितना ड्रामा होता है वो बाहर खा गए ना, घर के अंदर ड्रामा जो है वो आप कर नहीं सकते। आप घर के अंदर ड्रामा करेंगे आप पे मुसीबत आएगी, आप तो करते हैं तो इसलिए। खैर मेरी बात और है, मैं जरा डिफरेंट आदमी हूँ। ये जो बाहर जाते हैं ये सीरियल बनाने के लिए बाहर जाते हैं, बाहर क्यों जाते हैं, ये क्या दिखाना चाहते हैं बाहर जाके? मेरा ख्याल है हमारे लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए ड्रामा बनाने के लिए। अगर ये खराब ऐसा भी एक बाहर का ड्रामा मैं देख रहा था, बहुत सुपर डुपर हिट है और उसमें कोई मेरा ख्याल है कि दो ढाई घंटे के कमर्शियल्स भी चलते हैं। उसमें एक्टर को दिखाया कि किसी के घर पे जाके उसने बैल बजानी है, तो शायद इजाजत नहीं होगी उस घर की, उसने डरते डरते वो उस घर के करीब गया। मतलब हम तो समझ सकते हैं ना, व्यूअर हो सकता है इतना ना समझता, सिर्फ हाथ रखा तो नहीं पिलर पे उसने यूं करके हाथ रखा और थोड़ी देर इंतजार किया और वापस आ गए। तो उसका को स्टार मुझे किसी जगह मिला, मैंने कहा यार अगर वहां जाके पिलरों पे घंटियां आपने दबानी है तो आप बाहर ड्रामा करने जाते क्यों? कहते हैं हमें ले जाते हैं, हम कहते हैं चलो हमारी सैर हो जाएगी, घूम फिर के आ जाएंगे। अगर इस तरह का ड्रामा करना है तो मतलब पिलर पे कोई घंटी भी नहीं थी जिस पर? नहीं थी ना, कुछ नहीं, नहीं थी। तुमने चेक किया वो आर्टिस्ट अंधे का रोल तो नहीं कर रहा है? नहीं, मतलब ये कि अगर इंटरनेशनल प्रोडक्शन अगर आपने करनी है तो फिर उसको प्रॉपरली करें, वहां पर परमिशन लें। हाँ वहां पर परमिशन लें, आप चाहे जो चीज दिखाना चाहते हैं तो धड़ल्ले से दिखाएं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ क्या दिखाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? वहाँ कुछ भी नहीं करना चाहते, सिवाय ये कि वहाँ की लोकेशन दिखाना चाहते हैं। तो लोकेशन यहाँ नहीं है क्या? दीर है, सवात है, गबराल है, चित्राल है और मानसेरा है और जनाब मरी है और दुनिया भर की चीजें, कागान है, ये क्यों नहीं दिखाते? शफी से हमारी बड़ी दोस्ती है और शफी ऐसे चंद आर्टिस्टों में से हैं पाकिस्तान के जिन पे हमको नाज करना चाहिए और हम इनको बैनुल अक्वामी सतह पर किसी भी आर्टिस्ट के मुकाबले में बड़े फ़खरिया तौर पे पेश कर सकते हैं। ये ARY बुलिनियर की जानिब से ये गोल्ड बार और उन के उसमें शमूलियत का एक कूपन है उनके ड्रॉ में, और एक मिल्लत कैपेसिटर फ़ैन बनाने वालों का तोहफ़ा है, इसको कबूल कीजिए। और मैं इनको खुदा हाफिज़ कहते हुए ये बात फिर कहूँगा कि वाकई शफी मोहम्मद का जवाब नहीं है। शुक्रिया, थैंक यू।